नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रमेश है और आज मैं आपको ये 44-40 का इनमें बास ट्रेबल और वॉल्यूम यहाँ पे लगा हुआ है, तो यहाँ का वॉल्यूम मैंने निकाला हुआ हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 6 पीने आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो इस तरीके से यहाँ पे भी वॉल्यूम लगा हुआ था जिसको मैंने निकाल के किसी सेट में यूज किया हूँ। तो चलिए इसके फंक्शन को मैं आपको समझाता हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है दोस्तों। अगर इस चीज़ की आपके पास नॉलेज हो जाएगी तो आप कहीं भी किसी भी समय इसकी रिपेयरिंग करके कुछ रुपए कमा सकते हैं। अगर इसकी जानकारी आपको कन्फर्म नहीं रहेगी, अगर पूरी जानकारी नहीं रहेगी तो आपसे ये नहीं बनेगा, और ये बनने के जगह क्या होगा और ख़राब हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स काम जो है वो जानकारी के ऊपर निर्भर है। अगर आपको जानकारी है तो वो बनेंगे, अगर जानकारी नहीं है तो वो बनने के जगह ख़राब हो जाएंगे। तो चलिए कुछ कुछ बातें मैं इस किट के बारे में आपको समझा देता हूँ और पूरे डिटेल के साथ समझाता हूँ। तो वीडियो लास्ट टाइम तक देखें और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और हो सके तो अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराएं जिससे मुझे बेनिफिट हो, क्योंकि अगर आप वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखते हैं तभी मुझे कुछ बेनिफिट होंगे, क्योंकि यहाँ पे मैं जितने भी आपको जानकारी दे रहा हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूँ। तो सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पे एक डायोड लगा हुआ है, तो यहाँ पे ये प्लस सेट समझे इसको, यहाँ पे माइनस समझे, क्योंकि यहाँ पे अगर आप प्लस जोड़ते हैं तो यहाँ पे आपको प्लस आ जाएंगे, अगर यहाँ पे आप प्लस जोड़ते हैं तो यहाँ पे आपको नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर निगेटिव जोड़ते हैं तभी आपको यहाँ पे निगेटिव मिलेंगे, इसका उल्टा काम पर। अगर यहाँ प्लस जोड़ते हैं तो यहाँ प्लस, तो इसको मैं बहुत ही इसके अंदर है कुछ, तो वो मैं बाद में डिटेल क्लियर करूँगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता, तो यहाँ पे आप प्लस बोल की वायर जोड़े तो यहाँ पे आपको प्लस मिलेंगे, आप देख सकते हैं, जो कि यहाँ ये आईसी पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे प्लस जोड़ेंगे तो यहाँ पे आपको प्लस मिलेंगे, यहाँ इस आईसी की इतनी नंबर पिन पे, इधर से आप गिने तो यहाँ 4 आते हैं और यहाँ से गिने तो यहाँ आप गिन सकते हैं कितने नंबर पिन पे हैं, तो यहाँ पे आपको प्लस मिलेंगे। इसी तरह यहाँ पे भी इसकी 4 नंबर पिन पे प्लस आई हुई है, आप देख सकते हैं। जिस तरीके से यहाँ पे इसकी वायरिंग है इस तरीके से यहाँ भी इसकी वायरिंग है, इसमें 2 पोर्शन बने हुए हैं, क्योंकि ये डबल आईसी का 44-40 सर्किट कहलाता है, तो इनमें आधा पोर्शन हुआ एक सेट, आधा एक स्पीकर के लिए, एक स्पीकर के अलग अलग बने रहते हैं, और बैटरी की कनेक्शन तो एक ही रहेगी, क्योंकि यहाँ भी आपको प्लस 12 वोल्ट मिलेंगे और यहाँ भी 12 वोल्ट मिलेंगे। निगेटिव आपको अगर इस पिन पे यहाँ पे मिलते हैं तो यहाँ भी इस पिन पे निगेटिव, आप देख सकते हैं यहाँ पे निगेटिव आई हुई है, तो ये हो गई। और यहाँ पे स्पीकर जो है, आप यहाँ पे स्पीकर की आपको वायरिंग की हुई है, यहाँ पे आप जो देख सकते हैं 3 नंबर पिन पे और 5 नंबर पिन पे है, इस तरीके से यहाँ भी है 3 नंबर पे और 5 नंबर पे, ठीक। अब चलिए हम आपको यहाँ पे जो इसकी जो बास ट्रेबल बनी हुई है और यहाँ किस तरीके से इसका बना हुआ हुआ मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आप देख सकते इस साइड जो है, जैसे यहाँ पे और यहाँ पे आप देख सकते हैं और यहाँ पे, तो इस साइड जो है निगेटिव है यहाँ पे, और आप देख सकते हैं यहाँ भी जो है ये निगेटिव है, यहाँ भी निगेटिव है, और यहाँ पे ये दोनों का निगेटिव नहीं है, आप देख सकते हैं यहाँ पे निगेटिव नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो है रेजिस्टेंस का द्वारा जो है यहाँ पे इसको निगेटिव किया हुआ, देख सकते हैं यहाँ पे ये 2 रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये 2 जो कि यहाँ निगेटिव यहाँ दिए हुआ है। तो चलिए आप इसकी ऑडियो को समझाते हैं, तो ऑडियो सीधा ही यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा करके यहाँ पे आ हुआ है
तो देख सकते हैं 2.2 का रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा हुआ है रेड कलर का। तो यहाँ पे ऑडियो जो आए हैं तो यहाँ से लेकर के यहाँ पे आए हुए हैं, आप देखिए यहाँ पे आए हुए और यहाँ से डायरेक्टली यहाँ पे आ गए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ। तो इसका सीधा ही ऑडियो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। तो मैं देखता हूँ कितने नंबर पिन पे आए हुए हैं, इधर से मैं इसका कंटिन्यू करता हूँ। 1, 2, 3, 4 5, 6 नंबर पिन पे है, देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5 पे। तो यहाँ भी आपको 6 नंबर पिन पे 1, 2, 3, 4, 5 पे, तो 6 नंबर पिन पे यहाँ भी आपको यहाँ से यहाँ आपको 6 नंबर पे मिल जाएंगे। और ये जो है ये यहाँ पे जैसे ही ऑडियो आएंगे तो यहाँ आपको ऑडियो सप्लाई होंगे। तो ये ऑडियो देखिए सीधा ही यहाँ पे आया हुआ है और PF के माध्यम से यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है। और ये ग्राउंड है, यहाँ पे टेबल बन जाते हैं। और यहाँ पे बास बनाने के लिए क्या हुआ है तो यही तीसरा नंबर पे जो है आपको दिखा देता हूँ मैं। यहाँ पे जो है देखिए यहाँ पे फिर PF लगा करके यहाँ पे इसकी बास बना दी गई है, देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ पे फिर PF लगा करके इसको बास बना दिया है। तो इस सर्किट में कभी रेजिस्टेंस लगा दिया जाता है, कभी PF लगा दिया जाता है, सभी इंजीनियर अपने अपने तरीके से यहाँ काम करती है। कोई कुछ लगाता है, कोई कुछ लगा, कोई कैपेसिटर लगा भी देता है, कोई कुछ कुछ से कुछ बना करके आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो बहुत तरीके से बनते हैं। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, वीडियो लास्ट टाइम तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।